नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं चाय बिजनेस के संबंधित। आज का हमारा मुख्य विषय होने वाला है, जो लोग होटलों के अंदर चाय की सप्लाई करने के लिए जाते हैं, उन लोगों की ऑर्डर आने के बाद उनकी डिमांड ये आने लगती है कि हमारी चाय काली क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, इस विषय के अंदर ही आज हम आपको वीडियो बना रहे हैं कि आपकी चाय काली पड़ने का मुख्य रीजन क्या होता है, किस वजह से आपकी चाय काली पड़ जाती है। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है आपके द्वारा खरीदी गई चाय। जो चाय सही होना या नहीं होना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी चाय काली क्यों पड़ रही है। तो बात करते हैं उन चीजों के बारे में, उन फैक्टर के बारे में जिसके माध्यम से कि चाय आपकी काली पड़ गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी फैक्टर की बात करें तो दोस्तों वह आता है चाय की जो पत्तियां हैं उसका सही चुनाव नहीं किया गया। सही चुनाव का मतलब है, जब दोस्तों एक समय पर चाय की पत्ती में जूस बन जाता है, एक तो उस समय जब चाय की पत्ती को तोड़ा जाता है तो उसका असर कभी भी खराब नहीं होता, वह चाय अच्छी बनती है। लेकिन जब पत्ती पकने के बाद उसको तोड़ा जाता है तो उसके अंदर जूस कम बनता है, उसके अंदर डंठल ज्यादा रहता है, तो वह चाय एक तो आपकी काली पड़ेगी। दूसरी होता है सस्ते के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं कि घटिया चाय खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया चाय खरीदिए तो आपको थोड़ा दाम देना होगा, तभी आपको बढ़िया चाय मिलेगी। सस्ते के चक्कर में अगर आप ब्लेंड करके महंगी चाय के अंदर डालते हैं तो आपकी महंगी चाय भी खराब हो जाती है, और वह दूसरा कारण है आपकी चाय काली पड़ने का। तीसरा कारण है उस चाय को सही तरीके से अगर नहीं बनाया जाता। दोस्तों, जैसे उस पत्ती को बार बार अगर आप रीयूज लेते जाते हैं, ये बात कोई भूलता नहीं है, होटल वाले को आप बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको भूलना चाहिए कि एक पत्ती को अगर 10 बार काम में लेंगे तो उसके बाद जब आप नई पत्ती डालते हैं तो वह उस पत्ती को भी खराब कर देता है। इसलिए यह भी बड़ा कारण रहता है चाय की पत्ती काली पड़ने का, तो आपको इस प्रोसेस को भी बंद कर देना चाहिए। तीसरा है, अगर बैड वेदर कंडीशन होता है, जब किसी प्रकार का वेदर आपका साथ नहीं देता, बैड वेदर कंडीशन होता है, उस समय भी चाय काली पड़ती है। उस समय की जो तोड़ी गई पत्तियां होती है, और क्योंकि कई बार फैक्ट्री को चाय बनानी होती है, प्रोसेसिंग चालू रहती है और वेदर बाहर का साथ नहीं होता, तो जो एटमोस्फियर बनता है वो एटमोस्फियर उस चाय के खिलाफ बन जाता है, इसकी वजह से भी चाय काली बन जाती है। और कई बार क्या होता है, कोई बैक्टीरियल इफेक्ट भी आता है, बैक्टीरियल इफेक्ट ऐसे हो जाएगा कि जहां पर चाय बनाने के समय ध्यान नहीं दिया गया हो, हाइजीन का ध्यान नहीं दिया गया हो, ये चाय प्रोसेस करने के अंदर भी हो सकता है, जब चाय का निर्माण हो और जब हम भी चाय घर के अंदर बनाते हैं या फिर होटल आदि के अंदर बनाते हैं, उस समय भी जब चाय बनती है तो उस समय भी बैक्टीरियल इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए जब आप हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो आपकी चाय काली नहीं बनती है। अब बात करें अगले स्टोर की, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, चाय को आरपी बना दिया जाता है ताकि रीप्रोसेस किया जाता है, जब कोई पुरानी चाय बच जाती है, पुरानी चाय को काम में लेने के लिए उसे आरपी किया जाता है अर्थात की रीप्रोसेस, तो वह आरपी चाय भी जब उसको बनाया जाएगा तब वह काली पड़ेगी। उसके अंदर चाय को आपको सस्ते में बढ़िया दिखने वाली मिल जाएगी, लेकिन वह चाय आपको जो मिलेगी वह चाय काली होगी। तो दोस्तों, यह है चाय के काली पड़ने के फैक्टर। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चाय खरीद सही चाय का चुनाव करते हैं, सैंपल को देखकर चाय लेते हैं, और आप उस सैंपल को वापस जब घर के आने के बाद बनाते हैं तब आपको उसकी संतुष्टि मिल जाती है और वह चाय आपको सही रूप से बेस्ट बनती है। तो आप चाहते हैं कि आपको कभी भी आपके घर के अंदर काली चाय नहीं आए, जो आप चाय खरीदे वो आपके लिए सही आए, तो आप अपने पहले जो सैंपल लिया है उसको आप बनाकर आधा घंटा किसी सफेद प्लेट के ऊपर आप बनाकर उसको छोड़ दीजिए, आधा घंटा एक घंटा, जब तक उस चाय का कलर अगर आपने रेडीज लिखकर लिया है तो रेडीज है, और अगर आपने गोल्डन लिया है तो गोल्डन है, जब तक वह रहेगा तो समझ लीजिए आपकी चाय काली नहीं पड़ने वाली। और जो काली पड़ गई उस चाय को आपको कभी भी नहीं खरीदना है, उस चाय से तुरंत आप सावधान हो जाए। तो दोस्तों, यह है खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी। आप चाहते हैं चाय का व्यापार करना, चाय खरीदना, चाय की पत्तियों को देखना, या फिर आप चाहते हैं कि चाय के व्यापार संबंधी जानकारी को हमें दिए गए नंबर पर मैसेज करें, तुरंत आपकी सहायता करेंगे और साथ ही साथ आपको चाय बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। थैंक यू।